हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट के बारे में जिसमें इंडियन थिंक टैंक का मानना है कि भारत को जल्द से जल्द अपने नेक्स्ट 2 SSBN को रेडी करके डिप्लॉय कर देना चाहिए जो कि इंटरमीडिएट रेंज के सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सके। देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके इम्पैक्ट को समझना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो एनिमी है चाइना वो इस टाइप के 6 SSBN को ऑपरेट करता है और भारत भी ऐसे 6 SSBN को बना रहा है जिसमें से INS अरिहंत ऑलरेडी नेवी में शामिल हो चुका है, वहीं INS अरिघाट सी ट्रायल में है। लेकिन इसके बाद के जो 2 SSBN हैं जिसे हम S4 और S4 स्टार के नाम से जानते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट के मामले में इनसे 1000 टन ज्यादा है, तो इसके डेवलपमेंट को और ज्यादा फास्ट करने की जरूरत है जिससे कि भारत चाइना के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन को इजीली काउंटर कर सके। 4 SSBN की जरूरत इमीडिएट बेसिस पर इसलिए है क्योंकि भारत एक ग्लोबल पावर बनने की ओर बढ़ रहा है और जब कोई कंट्री अपने सॉफ्ट पावर की बदौलत ग्लोबल पावर बनती है तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ चिंदी पड़ोसियों को तो अच्छा नहीं लगेगा और इसका सीधा इंपैक्ट हमारे सिक्योरिटी पर आता है। लेकिन इस सिक्योरिटी चैलेंज को भारत अपने सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से न्यूट्रलाइज कर सकता है और इसीलिए 4 SSBN की इमीडिएट नीड है जिसमें से पहला SSBN हमेशा इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए सी में पेट्रोल कर रही होगी, दूसरा सी में पेट्रोलिंग के लिए रेडी हो रही होगी, तीसरा पेट्रोलिंग से अपने बेस की ओर रिटर्न हो रही होगी, वहीं चौथा मेंटेनेंस में होगी और इससे एक साइकिल फॉर्म होगा जिससे कि भारत हमेशा अपने 1 SSBN के साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों को अपने चेक में रख सकता है। हाल ही में जब भारत ने अपने 5500 किलोमीटर वाले अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की थी तो इसका सीधा इंपैक्ट हमें चाइना के ऊपर साफ साफ देखने को मिला था क्योंकि अग्नि 5 की एक्चुअल रेंज को जानने और इसकी मनोबिलिटी को समझने के लिए चाइना की तरफ से अपने दो दो ट्रैकिंग शिप को इंडियन ओशन रीजन में भेजा गया था। अभी जो भारत द्वारा 6 SSBN बनाए जा रहे हैं और इनमें से पहला और दूसरा जो SSBN है यानी कि INS अरिहंत और INS अरिघाट, तो फिलहाल इसमें K-15 सागरिका बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया जाता है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर की है। लेकिन DRDO K-5 और K-4 नाम के 2 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर रही है जिसको लेकर लास्ट टाइम रिपोर्ट ये थी कि DRDO इसे ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है और इसके कंपोनेंट्स को डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल के साथ टेस्ट भी कर चुकी है। लेकिन जब S4 और S4 स्टार SSBN बनकर तैयार हो जाएगा तब इन्हें इन दोनों सबमरीन से टेस्ट करके देखा जाएगा। K4 और K5 की एक्चुअल रेंज तो क्लियर नहीं है लेकिन इनकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर के बीच में होगी और ये मिसाइल चाइना और पाकिस्तान को डीप सी में कहीं से भी हिट करने की कैपेबिलिटीज रखेगा। लास्ट टाइम S4 और S4 SSBN के ऊपर न्यूज ये थी कि S4 क्लास की सबमरीन को ऑलरेडी बनाया जा रहा है और साल 2024 में इसे सी ट्रायल के लिए भेज दिया जाएगा। वहीं S4 स्टार सबमरीन को बनाने का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है जिसे साल 2025 में सी ट्रायल के लिए भेजा जाएगा और साल 2028 तक भारतीय नौसेना को सभी 6 SSBN मिल जाएंगे। लेकिन लास्ट के जो 2 सबमरीन होंगे यानी कि S5 और S5 स्टार, तो इसका डिस्प्लेसमेंट INS अरिहंत से ठीक 2 गुना होगा। भारत के लिए SSBN का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि फिलहाल भारतीय नौसेना का जो 6 SSN सबमरीन वाला प्रोजेक्ट है वो फेल होता हुआ दिख रहा है और इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। भारत अपने 6 SSBN के साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही चेक में रख सकता है और खासकर हमारा एक आतंकी पड़ोसी जो कि न्यूक्लियर अटैक की धमकी तो ऐसे देता है जैसे उस कंट्री के पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हो और उसमें से एक ही वॉरहेड सारे सोलर सिस्टम को बर्बाद कर सकती है। खैर, उसके बारे में तो हम क्या ही बोलें, लेकिन भारत जैसे जैसे ग्लोबल पावर बनता जाएगा हमारे चिंदी पड़ोसियों को मिर्ची वैसे वैसे लगती जाएगी और बात फिर भारत की सिक्योरिटी पर ही आएगी और इसीलिए भारत को अपने सिक्योरिटी को डे बाय डे मजबूत करने की जरूरत है जिससे कि हम इन थ्रेट को इजीली काउंटर कर सकें। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।